अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अवारी आवर, यू आर वाचिंग सीन रिव्यूज। एंड जनाब, आज हम रिएक्शन रिव्यू करने वाले हैं ऑन द बिहाइंड द सीन्स ऑफ द सॉन्ग कॉल्ड झोल, जो कि दो ही दिन पहले रिलीज हुआ है एंड कोक स्टूडियो 15 सीजन 15। और बहुत ज्यादा चर्चे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बातें हो रही है, क्योंकि गाना तो हिट है ही, साथ में इसकी वीडियो भी सुपर हिट है। तो कोक स्टूडियो ने इसकी मैजिकल जर्नी पोस्ट की है कि किस तरह से इसकी जो है बनावट हुई है, किस तरह इसकी मेकिंग है, क्या क्या दुश्वारियां आई होंगी, वो सब आई थिंक इस वीडियो में होने वाला है। तो कुछ भी टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। बट उससे पहले थैंक यू कोक स्टूडियो के, जब भी हमने इनकी किसी भी वीडियो में कमेंट करके बताया कि वी विल बी डूइंग रिएक्शन रिव्यू, तो कोक स्टूडियो ऑलवेज रिप्लाई विद दैट वेटिंग कमेंट। और उसके बाद फिर हमने उस पर भी उनका शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा मैसेज हमें दिया कि लव फ्रॉम कोक स्टूडियो। सो थैंक यू सो वेरी मच कोक स्टूडियो, आप लोगों का ये छोटा सा जेस्चर हमें हमारे लिए कितना बड़ा होता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता शायद वर्ड्स में। सो एक इतना बड़ा चैनल छोटे चैनल्स को सपोर्ट कर रहा है एंड कमेंट्स में आके हमारा रिप्लाई कर रहा है, तो थैंक यू सो वेरी मच कोक स्टूडियो। एंड नाउ लेट्स वॉच दिस मैजिकल जर्नी ऑफ झोल। ये कितना जरूरी है कि वो लोग जो ओन करें उस नैरेटिव को, दुनिया का ऐसा हिस्सा बने कि आप वो दुनिया उनके बगैर सोच ही नहीं सकते। हाय हाय, क्या बात है। He's the lead singer, right? एक दिन ना अब्दुल्ला ने ना मुझे कॉल की, कहते हैं मानू ने एक गाना लिखा है, आई जस्ट वॉन्ट यू टू हेयर इट, हम कब आए। मैं कोई प्लान करना शुरू हुआ तो कल, कहते अभी आ जाए, मैंने कहा आ जाओ ठीक है। तो वो जी पहुंच गए दोनों, मानू और अब्दुल्ला। क्या बात है यार, ये रॉ की जो आवाज आ रही है ना, somehow inherently less meaningful, but it really takes fine craftsmanship to write the kind of hook that he did. The moment the song's chorus hit, उसके वाइब्स ही अलग है। वो इतना फंस जाने वाली चीज थी, so पीछे क्या चल रहा है, for it to hit like this is very important. Agree. और कहीं ना कहीं हम सब अपनी कहानियों से कनेक्ट कर सकते हैं। I'm Manu and I'm a 25-year-old singer, songwriter, rapper and producer from Lahore. It's so good to see that Coke Studio youngsters को promote करता है। वो मेरे parents को जाता है बचपन से, उन्होंने मुझे बहुत सारे music मुझे सुनाया। जब मैं 8 साल का था तब मुझे classical singing lessons के लिए एक उस्ताद रखवा दिए थे, जो उस time में मुझे बहुत बुरा लगता था सारे experience, because that's nothing that an 8-year-old wants to go through। अच्छा, इस गाने से पहले मैं मानू को नहीं जानता था। A-levels में जाके I wrote my first song, that's when I think everything changed for me. मैं और मेरा मैनेजर सिक्की, हमने डिसाइड किया था कि हम इंस्टाग्राम पे पेज बनाएंगे और उस पर 1 minute वीडियोस डाला करेंगे ऑफ जस्ट मी सिंगिंग विद अ गिटार, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आउट इनिशियली। सो आई फाउंड आउट कि मेरी जो एक्चुअल वॉइस है वो मेरी सॉन्ग राइटिंग में और उस ऑथेंटिसिटी में बिलोंग करती है। जो मुझे उस वक्त एक डिस्कनेक्ट फील हो रहा था, ये था कि इस जनरेशन का कोई भी इंसान जो बैठा है इस वक्त पाकिस्तान में रह रहा है, उससे कुछ रिलेटेबल म्यूजिक इन द पॉप सीन नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। आई वांटेड टू पुश दैट कि यार लाइक यहाँ के जो नैरेटिव्स हैं, यहाँ की जो कहानी है, आई वांट टू हियर मोर ऑफ दैट। मानू ना इज एन आर्टिस्ट जिसका करियर वेरियस शेड्स हैं। मुझे ना उसका वो नैरेटिव पसंद है कि जहाँ वो ज्यादा सेंसिटिव है, ज्यादा इमोशनल है, ज्यादा मेलोडिक है। अभी तक जितने भी गाने दिखाए उसमें ये वाली फील नहीं है जो इस गाने की थी। इस गाने की तो फील किलर थी, मतलब माय मॉम
I think she this was always Jhool my is the best song one of fan, mine. Always biggest supporter. पहला जो ही मैं गाना लिखता था तो मैं सबसे पहले जाके उनको सुनाता था हमेशा से. इवन दिस सॉन्ग झोल भी जो है ये उनका आई थिंक सबसे फेवरेट गाना था दैट आई हैव एवर रिटन. थिंक आई एम गोना मिस हर सो गुड के फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. इट्स सो गुड कि इसकी वालदा इसे इतना सपोर्ट करती थी. एंड डेफिनेटली वालदा का जब सपोर्ट होता है तो कोई भी शख्स जो होता है वो ग्रो भी करता है और उसके लिए बहुत स्ट्रॉंग फील होती है कि मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरी वालदा सपोर्ट कर रही है. उसकी सेंसिबिलिटी अपनी है. झोल ना इस सेंसिबिलिटी का मेरे लिए की परफेक्ट एग्जाम्पल. मुझे वाकई मानू में प्यार आया जिस तरीके से उसने इस गाने के लिए अपनी दीवारें तोड़ी. इसका एक अनप्लग वर्जन भी बनाना चाहिए स्टूडियो को. इट्स साउंडिंग सो गुड. On a very fundamental level, it is a romantic song. जब अपने beloved को ये भी कह रहे हो कि आपसे इतना प्यार है तो आप साथ साथ उसको शिकवा भी कर रहे हो. Really talking about the not so nice things about love as well. This is what we said in our review. अगर आपने हमारा song review देखा, मैं यहाँ पे कहीं link डाल दूँगा. उसका second verse गाने का लिखा हुआ था ना, लगता ही था कि किसी और का point of view है. कि ऐसे जैसे वो मैरिडी बन उस इंसान के लिए रही थी, लेकिन उस इंसान को पता नहीं था, तो वो थी अनु. In Anurag's case, this was tailor-made for her. और जब उसने खुद भी इसमें लिख दिया ना, तो बात अब कहीं और चली जाती. Yes. Anurag ने भी बहुत अच्छा गाया. It's so good to see कि Coke Studio ने इस बार इतनी efforts put in की हैं. और behind the scenes भी इतना अच्छा बनाया. My dad says कि मैंने जब बोलना start किया था, मैंने साथ ही गाना भी start कर दिया था. It's more like this building profile. This is practically the first time I performed. और ये मैं हूँ. This was my first encounter with a crowd, and it was fun. ये मैंने वो चांद पकड़ा हुआ है. मुझे खड़े होके बस like चांद We all do that at school play. Baba ne mujhe shuru se encourage karte the ki be confident about your singing. And music is the one thing, just it keeps me sane. I just have to like put my heart into it and like just enjoy it. I was like a cover artist, but then I started writing songs and putting out my own music. That's good. चाहते हो कि लोग आपके गाने भी सुने, लेकिन उनके दिमाग में आपका वो कवर आर्टिस्ट वाला इमेज एक बन चुका होता है, तो वो तोड़ना बहुत मुश्किल होता है. इट्स रियली हार्ड, बट आई फील लाइक आई एम गेटिंग देयर. चल द गुड थिंग के इनके वालिद साहब ने सपोर्ट किया. यू हैव टू लाइक ओनली कीप मूविंग अपवर्ड्स. एंड दिस इज व्हाट आई सेड बिफोर, जब पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो बंदा बहुत कुछ अचीव कर लेता है. The kind of melodies she writes, the kind of vocal delivery she has, it's all really refreshing. ये chorus भी गाया, जो उसने अपना verse भी गाया, it was like okay, our narrative is sort of, हमें वो conversation मिल गई है दोनों की. There's this producer who is one of my favorite producers in the country, Abdullah Kasumbi. Mm-hmm. He actually, उनका उसका idea था कि पंजाबी में गाओ तो. एक गाना बेसिकली रिपीट में सुना था, मेलनकॉलिक. हाँ मुझे बहुत पसंद था. हाँ मुझे मानू की वो साइड बड़ी पसंद आई हुई थी. मैंने मानू को बोला मुझे सैड गाना बनाना तुम्हारे साथ, पंजाबी. और उसने मुझे इस तरह से प्रोब ना किया, तो आई थिंक वो मेरी एक न्यू साइड ऑफ माय म्यूजिक जो कि अब खुल चुकी हुई, वो कभी खुलती ना. अच्छा ये सिर्फ सॉन्ग की मेकिंग दिखाई हुई है, वीडियो की मेकिंग भी. आई रियली वांट टू सी द मेकिंग ऑफ द वीडियो. Maybe later part में दिखाइयो video के behind the scenes. In that realm जो हमने create कर ली है, वो देसी भी है, अच्छा जबरदस्त innovative देसी है मैं कह. और उसके अंदर आप दोनों के expression जो young पंजाबी expression emotion है ना, I just feel कि वो chemistry is actually magic. Right. There's so many energies and so much love has been put into it by Anurag and then all of the people over here. इस time पे emotional भी हूँ, खुश भी हूँ. This song has reached this point. So well done, yeah. Well done, everyone.
मुझे हमेशा से लाइक जुल्फी भाई ने बहुत ज्यादा एक वो भी मुझे दिया कि आई डोंट थिंक तुम रियलाइज कर रहे हो कि ये गाना कि तुमने क्या लिख ली है और कि ये बहुत अच्छी, उनसे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला. वन थिंग ही इज रियली दैट्स ग्रेट मेकिंग श्योर दैट यू नो दैट द होल सिस्टम बिलीव्स इन यू लाइक फुली. इन माय हेड कोक स्टूडियो वाज समथिंग नॉट फॉर लाइक नॉर्मल पीपल. And you know, I can consider myself as like a very, very normal person. Yeah, yaar. But you know, when you have a team of sensitive people, and then you also engage them in just listening sessions. तो होता क्या है कि उसमें हर बंदा connect होके कोई ना कोई बात, कोई ना कोई idea add कर सकता है जो उस चीज के अंदर ऐसी contribution कर दे जो iconic. Agreed. इसीलिए रिहर्स करने की बहुत ज़रूरत होती है. जितनी ज़्यादा रिहर्स होती है उतनी चीज़ें और अच्छी होती हैं, उतनी इनोवेशन उसमें ऐड हो जाती हैं, उतना प्रोडक्टिव चीज़ बन के सामने आती है. Jhol is like this soundtrack to a very important moment in a love story, in a movie. Agreed. कि स्टोरी डिफाइन क्रिएट कंस्ट्रक्ट करने के लिए बंदा ऐसा चाहिए जो फिल्म स्टोरी सोचता हो. एंड दैट इज व्हाई जमाल केम इनटू द पिक्चर. दैट्स व्हाई आई कनेक्टेड टू इट. जमाल इज अ फिल्म मेकर, वो स्टोरी सोचता है. आई एम अ फिल्म स्टूडेंट मायसेल्फ. और व्हेन आई लिसन टू द सॉन्ग वाज यू नो इट्स गॉट सच अ विसरल विजुअल क्वालिटी, इमीडिएटली मुझे कुछ इमेजेस आना शुरू हो गई थी उसकी. वाओ अग्रीड. जब ये गाना सुनता है ना एक कहानी आती है. Some kind of movement. There's something about the song that has a journey in it. Something about that said कि इसमें train होनी चाहिए किस तरह. There's a melancholy. There's a sort of a sadness to it. This needs to be a hybrid of a short film and a music video. जी बिल्कुल ऐसे ही. The story is essentially about two star-crossed lovers who are torn apart by external forces. Yes. All these opportunities they have to talk to each other, they keep missing them. He's paranoid. He thinks that I'm like unfaithful. जो एक main feeling बार-बार आ रही थी was like this feeling of longing. Two people, if they could just speak to each other, वो पूरी कहानी easy हो जाती. Yes. यही हमने अपने रिव्यू में कहा था. I think there was a fair bit of concern कि यार इनको कभी एक्टिंग करते देखा नहीं है तो क्या होगा. Was a huge challenge like putting ourselves into these two characters' shoes. In character guys and action. Win. अगर हमें दो दिन पहले से रिहर्सल ना कराया होता जमान पे so it would have been a disaster. Like hum bas haste hi rehte sara bhi set pe staring contest hoye hamare taki we break the ice and like get into like professional actor and now we're actors. So they were taught how to act. Wo ye humne rehearsal ki yahan se yahan 2 ghante ke andar pahunche. Wow. They started coming up with their own ideas. Hamara character ye karega, wo karega. Yeah, yeah, Shawl wala idea tha, that was amazing. Matlab, let's do it. Connection jo tha na, Shawl ka jo Shawl deta hai, aur uski jo puri movement thi throughout the song, us red Shawl ki, ya stole whatever that is. Mera hamesha process shuru hota hai question se. Set is totally amazing aur Karachi is a city that extras he had these jazz bars and clubs wagera. What would have happened if those nightclubs had continued to thrive till today? In that world there's influences from the west, there's influences from the east. Karachi historically as a port city always had so much influence coming in as a first point of contact. So वो बड़ा एक interesting other world बनता है, which is at once familiar but also something quite new. इतनी ज़्यादा detailing है ना set में, it's totally amazing to watch this set. जिस तरह story है कि Manu is looking for Anurul and Anurul is looking for Manu and they keep on missing each other. So it was almost like a spark of light that goes and then comes, just like a jugnu. Ooh. So jugnu ka ek element which ek South Asian and romantic stories mein bahut zyada hota hai. Usi tarah jo hamara stage hai uske top pe we have all these little punctured holes of lights. Uske andar se wo light criss cross karti hai jaise ek jugnu guzarte hue ja raha hai. Kya baat hai.
Azmi is someone I've been wanting to work with for a long time. I think he's one of the best cinematographers we have in the country. Happening over here. When I was initially coming up with the concept of what kind of story this would be, I imagined his aesthetic. It's too much of learning for the film students, for the directors. Totally amazing. Thank you, Coke Studio, के आप लोग ये behind the scenes हमारे लिए लेके आए. पिछली बार ना world building खूबसूरत थी, लेकिन वो performance spaces ही थी. ये ना performance space तो है, लेकिन साथ ही story space. तो सेट पे कितना कुछ चीजें move around करी है ना नर्सिस. They are playing games. They are having fun. Kamal, 5-3, Kamal. This is making a bond between them. काम सिर्फ ये नहीं होता कि आप गए और काम किया. और फिर शीप लुक आती है. Yeah, I like it. So what we're creating is big beautiful eyes, very moodish kind of earthy tones, but very talking eyes. Manu, we wanted to do something that was East meets West kind of look. So we went for a shalwar inspired trouser. We did a tucked in shirt. I think the silhouette is working really nicely overall. Maroon specifically because we wanted to have them come together as a band. Yellow or yes, orange or maroon ka blend hua na. Best dad joke ever in my life. Like, I love it. फिर 9 o'clock पे अटैक है, 9 o'clock पे रिलीज है और 10 o'clock पे मेकअप है. स्पीड पे आ जाओ, स्पीड 0-0-0. ड्राइव outfit is revolutionary. It is the serve of the century. I'm not exaggerating. She looks beautiful. It's dark, feminine. It's so tasteful. It's so unique. It's rock and roll. So yeah. सबकी कॉस्ट्यूम्स वगैरह देख सकते हैं आप, वो काफ़ी विंटेज लुक आ रही है, 70s 60s टाइप आ रही है. सो अमेजिंग स्टफ. देयर्स अ लॉट मोर. स्टे ट्यून्ड, कुक स्टूडियो. Silence, thank you. And radio cameras. And action! क्या बात है यार, it would have been so much fun to work over here. Same feeling of stuff that you thought of suddenly coming to fruition. Months and months of work, working with my boy here, the dream. Thank you so much for your support and your kindness and your patience. Thank you all. Thank you. Yeah, the birds, we love to listen after the birds. I think one of the best things about working on Coke Studio is you get to really work with the best of the best. And it's very and professional kind of a work. Just one of the most sort of creatively electric that I've ever seen. I would have loved to work in this environment. There's so much learning, so much professionalism. Is another step sideways into how we can build worlds in Coke Studio. On story spaces bana rahe. We're taking that freedom to see what else can we do in the Coke Studio world. Jhol is that idea of storytelling. Music, personally for me, has been a way of channeling my emotions into something positive. It's just the studio was amazing. और मुझे basically वो वाला shot देखने का बड़ा दिल चाह रहा है. Being a loner. It was जो टेन वाला शॉट था ना,
जिससे वो ट्रेन से एकदम से उस रूम मेकअप रूम में आते हैं. पर्सनली मींस अ लॉट टू मी बिकॉज़ इट वाज माय मॉम्स फेवरेट सॉन्ग दैट आई हैड एवर रिटन एंड एवर सिंस हर पासिंग इट्स बीन स्टक विद मी. I'm glad you were able to do it with Coke Studio. So actively involved in my career and in every sort of part of my life, like my bestest friend. Now it's more like I feel like I'm also doing this in some ways for her. I hope it does well, of course, but it did. I think jo maksad mere liye tha wo pura ho gaya. It was amazing. Alright, so this was the journey of Jhol, Coke Studio season 15, and the journey throughout was amazing, like literally amazing. Jis tarah unhone storytelling ki hai, even this behind the scenes, mujhe bahut acha laga. Kyunki jis tarah unhone puri shuru mein jo hai, dono singers ka background bataya ki kaun the, kya the, singing kab se shuru ki, and the good thing was ki dono ke jo parents the, they were somehow supportive. यानी लड़का कह रहा है उसकी वालदा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी, लड़की बता रही है कि उनके फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे. एंड दिस इज वेयर अ चाइल्ड स्टार्ट ग्रोइंग इन. जब आपके पेरेंट्स आपके सपोर्टिव होते हैं, यू स्टार्ट ग्रोइंग इन, यू हैव दैट मॉरल सपोर्ट, यू हैव दैट बैकबोन जो कि आपको स्टैंड अप होने में जो है मदद करती है, जो कि आपको ये मदद करती है कि आपको दुनिया को किस तरह से फेस करना है. सो आई अप्रिशिएट दिस एंड इवेंचुअली दिस इज फॉर ईच एंड एवरी पेरेंट. अगर कोई पेरेंट ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ अपने बच्चों की बैकबोन ज़रूर बने. और एक और चीज़ जो मुझे इस चीज़ इस वीडियो में नज़र आई, दैट वॉज How to be creative with different things. किस तरह उन्होंने पूरी एक टीम बनाई, किस तरह सबको साथ लेके चले. ऐसा नहीं कि बस काम सोचा, दो दिन में काम किया और that's it. They took a whole lot time. Imagine ये जो bond दिख रहा था आपको, this was not just a one or two day work. It might have taken lots and lots of months, lots and lots of efforts. वो सब combine होके ये आया है. So like literally बहुत ही कोई awesome काम हुआ है. Anyways, that's it for today. I hope you guys enjoyed my video. अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और कल पाकिस्तान में ईद है, सो अ वेरी हैप्पी ईद. ईद मुबारक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. आई होप इट्स अ गुड डे फॉर एवरी वन. एंड मुलाकात होती है एक और अच्छी सी वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.